हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू एवर स्टडी क्लासेस एज यू नो दैट वी आर अ फाइव मिनट सीरीज ऑन अ प्लेटफॉर्म फॉर नेट एंड सेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एग्जाम एंड द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज एक्जिव रेम्यूनोरेशन इसके अलावा हमारे और भी कोर्सेज हैं पेपर टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए जो है यूनिट स्नैपशॉट नोट्स यूनिट वाइज पास पेपर्स एक्सप्लेन टेस्ट सीरीज जिसमें हमारे पास थर्टी फाइव हंड्रेड प्लस एम सी क्यूज हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स वीडियो कोर्स फुल वीडियो कोर्स एंड ऑल पेपर टू कोर्सेस कॉम्बो इसके अलावा पेपर वन जनरल पेपर के लिए भी मिनी कॉम्बो पैक हमारी वेबसाइट www.everstudy.co.in पर अवेलेबल है सो वॉट इज एग्जेकटिव रेम्यूनिशन एग्जेकटिव रेम्यूनरेशन उन फाइनेंशियल पेमेंट और नॉन मोनिट्री रिवॉर्ड्स को रेफर करती हैं जो कंपनी के टॉप एग्जेकटिवस को दिया जाता है इन एक्सचेंज फॉर देयर सर्विसज टू दर्गेनाइजेशन हायर मैनेजमेंट की ये सैलरीज कंपनी के साइज़ परफॉर्मेंस और एग्जेक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं उनसे इन्फ्लुएंस्ड होती हैं पर कंपनी का हर एक एम्प्लॉय एग्जीक्यूटिव रेम्यूनरेशन के लिए एंटाइटल्ड नहीं होता द काइंड ऑफ एम्प्लॉयज दैट आर इनटाइटल्ड टू एग्जीक्यूटिव रेम्यूनोरेशन आर कॉर्पोरेट प्रेजिडेंट्स वाइस प्रेजिडेंट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स एंड अदर सीनियर एग्जीकटिवस नो लेट्स डिस्कस अबाउट द कॉम्पोनेंस ऑफ रेम्यूनिशन सबसे पहले आता है सैलरी सैलरी इज़ द फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव रेम्यूनोरेशन जो सैलरी एग्जीक्यूटि को पे करी जाती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि उस इंडिविजुअल ने ऑर्गेनाइजेशन में कितनी वाल्यू कॉन्ट्रीब्यूट करी है और कितनी सेंसेरिटी के साथ वो अपनी रिस्पांसिबिलिटीज़ को पूरा करता है सैलरी एज ए कॉम्पोनेंट ऑफ टोटल रेम्यूनरेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करती क्योंकि इट इज सब्जेक्ट टू डिडक्शन एट सोर्स और गवर्नमेंट की रेगुलेशन से भी ये इन्फ्लुएंस्ड होती है आजकल का ट्रेंड ये है कि बेसिक सैलरी की इम्पोर्टेंस को कम करके बाकी इंसेंटिव्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए नेक्स्ट कॉम्पोनेंट आता है बोनस बहुत सारी फर्म्स के एनुअल बोनस प्लान होते हैं जिससे वो मैनेजर्स और एग्जीक्यूस को शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेट करती हैं अब सैलरीज तो हमेशा फिक्स रहती हैं और आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से ये इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती लेकिन बोनस में इजीली प्लस या माइनस एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इम्प्रूव्ड और डिक्लाइंट परफॉर्मेंस रिस्पेक्टिवली नेक्स्ट कंपोनेंट आता है परक्वसेट्स परक्विट्स एग्जीक्यूटिव के लिए इनकम का एक मेजर सोर्स है पर्कस ये इंश्योर करते हैं कि एग्जीक्यूटिव्स की सारी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाए और उन्हें रेयरली ही अपनी पॉकेट से कुछ स्पेंड करना पड़े पर्कस इंक्लूड करते हैं बेनिफिट्स लाइक मेडिकल केयर द कॉस्ट ऑफ द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ एग्जीक्यूटि स्कॉलरशिप्स फॉर द चिल्ड्रेन एंड अलाउंस फॉर बिजनेस मैगजीन्स एंड बुक्स फ्री वेल फर्निश्ड अकोमोडेशन मेम्बरशिप इन क्लब्स एंड मच मोर रेम्यूनिशन का नेक्स्ट कॉम्पोनेंट आता है लॉन्ग टर्म इंसेंटिवस लॉन्ग टर्म इंसेंटिवस मैनेजर्स को मोटिवेट और रिवॉर्ड करने के लिए होते हैं जिससे मैनेजर्स फर्म की लॉन्ग टर्म ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी पर फोकस करें और अपने डिसीजन में फर्म का लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव कंसिडर करें लॉन्ग टर्म इंसेंटिवस देने के पीछे हमारा ये एम भी होता है कि हम एग्जीक्यूटिव को हमारे साथ ज़्यादा टाइम तक कंपनी में रहने के लिए इनक्रेज कर सकें इसीलिए हम उन्हें ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो कैपिटल को एक्यूमुलेट कर सकें कंपनी स्टॉक के फॉर्म में जिसे वो कुछ सालों के बाद कैश में कन्वर्ट कर सकें लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स देने के लिए काफ़ी सारे प्लान्स हैं तो आइए उन प्लान्स को डिस्कस करते हैं सबसे पहला है स्टॉक ऑप्शन स्टॉक ऑप्शन इन्वेस्टर को ये राइट देता है कि वो स्टॉक को अग्रीड अपॉन प्राइस और डेट पर सेल या परचेज कर सके इससे मैनेजर को प्रॉफिट होगा अगर वो अपने स्टॉक को ज़्यादा प्राइस में सेल कर देता है लेकिन कुछ स्टॉक ऑप्शन रिस्ट्रिक्टेड भी होते हैं जिन्हें मैनेजर्स एक स्पेसिफाइड टाइम से पहले सेल नहीं कर सकते नेक्स्ट टाइप आता है फैंटम शेयर्स फैंटम प्लान में मैनेजर्स को कुछ शेयर दिए जाते हैं लेकिन सिर्फ बुक कीपिंग के परपज़ के लिए पर इससे मैनेजर्स का ये बेनिफिट है कि एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद उन्हें अवार्ड दिया जाता है जो मार्केट में स्टॉक की वैल्यू के अप्रिशिएशन के इक्वल होता है जब से वो बुक कीपिंग के लिए दिखाए जाते हैं नेक्स्ट टाइप आता है स्टॉक अप्रीशियशन राइट्स स्टॉक अप्रिशिएशन राइट में मैनेजर्स को कैश पेमेंट्स मिलती हैं जो स्टॉक की वैल्यू के इंक्रीज होने पर बेस्ड होती हैं फ्रॉम द टाइम ऑफ द अवार्ड अंटिल अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट नेक्स्ट आते हैं परफॉर्मेंस शेयर्स परफॉर्मेंस शेयर प्लान में एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स और स्टॉक्स मैनेजर्स को अवार्ड किए जाते हैं जब कोई स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म गोल अचीव हो जाता है नेक्स्ट टाइप आता है परफॉर्मेंस यूनिट्स परफॉर्मेंस यूनिट प्लान में एक स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म टारगेट अचीव होने पर मैनेजर्स को कैश बोनस दिया जाता है ये उन कंपनीज़ के लिए यूजफुल है जिनके पब्लिकली ट्रेडेड स्टॉक नहीं है या फिर कम स्टॉक्स हैं सो दैट वाज ऑल अबाउट एग्जीक्यूटिव रेम्यूनोरेशन आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो ये है आज के टॉपिक पर बेस्ड आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आप इसे अटेम्प्ट करिए और आपके जो भी आंसर्स हैं उन्हें नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखिए Thank you so much for watching this video. Please like, subscribe, and share. In case of any query, you can reach us at the details mentioned on your screen. You can download the PDF of this video from our Telegram channel, and you can also download a free learning app from Google Play Store. For full courses, please visit www.everstudy.co.in. Thank you.